सो गाइज, मैं नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के मंडे नाइट रॉ के को मेन इवेंट में आप ये कह सकते हो कि मेन इवेंट भी हो सकता है, एज का अभी सेगमेंट नहीं हुआ है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच ऑन द लाइन है। तो आज की वीडियो में लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, चलिए सेले वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक वीक पहले ही से WWE अनाउंस कर रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हमें डैमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ में करीब, जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो करीब आधा घंटा अभी लेफ्ट है मंडे नाइट रॉ को खत्म होने में। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का भी हमें मैच देखने को मिल रहा है, जहां पे सबसे पहले फिन बैलर अपना एंट्रेंस लेते हैं और फिन बैलर रिंग में आते हैं, और उसके बाद फिर डैमियन प्रीस्ट अपना US चैंपियनशिप के साथ आते हैं और दोनों एक सुपरस्टार एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, यानी कि आमने सामने रहते हैं। और ये वाला मैच जो है अब स्टार्ट हो चुका है। जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैच के जो अनाउंसर रहता है वो मैच को अनाउंस कर रहे हैं, और ऑफिशियल तौर पे मैच ये स्टार्ट हो चुका है, जहां पे गाइस डैमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल रहा है। दोनों सुपरस्टार आपस में अभी फाइट कर रहे हैं, और हमें देखना होगा कि ये वाला जो फाइट है या ये वाला जो सीन है हमें कैसा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए डैमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में हमें राइट नाउ मैच देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत अगर कुछ WWE प्लान करती है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मैच में मतलब US टाइटल जो है चेंज हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि डैमियन प्रीस्ट हार सकते हैं। नहीं तो अगर WWE के पास अगर कुछ इस प्रकार से प्लान होंगे कि फिन बैलर वर्सेज मतलब डैमियन प्रीस्ट का एक बार फिर से मैच करवाना है, तो हो सकता है कि इस मैच को डैमियन प्रीस्ट जीत जाए। वैसे चांसेस ज़्यादा है कि डैमियन प्रीस्ट ही जीतने वाले हैं, बाकी लेट्स सी, हम लोग देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ में राइट नाउ अभी हमें US चैंपियनशिप का ही मैच देखने को मिल रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।